हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा। रोज की तरह मैं एक नया मेडिसिन की रिव्यू लेकर आया हूँ जिसे डुप्लेक्स सिरफ के नाम से जाना जाता है, जो कि मार्केट में बहुत ही प्रचलित है। इस दवा का प्राइस, उपयोग, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन सब बताने वाला हूँ। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन बस्तर नेचुरल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस दवा को एबोट कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इस दवा की प्राइस की बात करें तो एक बोतल की कीमत जिसमें 150 ml रहता है उसकी प्राइस 171 रुपया पड़ती है, जो कि समय के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। यह दवा आपको कोई भी लोकल केमिस्ट के दुकान में आसानी से मिल जाएंगी। इस दवा की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेनली एक ही कंपोजिशन दिया गया है जिसका नाम लैक्टोलेसिफ है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस दवा का उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। आमतौर पर डुप्लेक्स सिरप का उपयोग कब्ज से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। यह सिरप पेट को साफ कर देता है और आपके पेट की जलन और गैस को भी कम करता है। इसका इस्तेमाल एसिडिटी, गैस, कब्ज, सीने में जलन जैसे समस्याओं को कम करने के लिए किया जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों इस दवा का दुष्प्रभाव क्या क्या है। डुप्लेक्स सिरप की दुष्प्रभाव की बात करें तो दस्त होना, मिचली होना, पेट की गैस, पेट में दर्द, स्वाद में बदलाव इत्यादि शामिल है। इस दवा का दुष्प्रभाव इलाज के बाद जल्द ही समाप्त हो जाती है। हालांकि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला, स्तनपान कराने वाले महिला, इसके साथ ही साथ किसी की सर्जरी हुई हो, उन लोगों को लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। तो दोस्तों डोज की बात करें तो इस दवा को रात में सोने से पहले गुनगुना पानी में 9 से 10 ml डालकर पीना चाहिए, जिससे आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन आपका डॉक्टर आपको जैसे बोले वैसे ही लेना है। तो दोस्तों जब भी इस दवा को ले डॉक्टर की सलाह से ही ले, अन्य कोई भी आपको सलाह दे तो आप उनकी सलाह बिल्कुल ना माने, क्योंकि उसे यह नहीं पता है कि इसे किसी अन्य दवा के साथ लेने से शरीर में गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए जब भी इस दवा का सेवन करें डॉक्टर से पूछ कर ही करें। इन सभी सावधानियों के अलावा वाहन चलाते समय इस दवा को लेना सुरक्षित है और इसकी लत लग सकती है। यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।